हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये अल्टो K10 है, इसका हम फ्रंट सस्पेंशन शोकर जो होता है, इसका अशोक आर्म ये सब बदलने वाले हैं, ब्रेक डिस्क, फ्रंट ब्रेक डिस्क और डिस्क कैलिपर ये सब सबको रिप्लेस करने वाले हैं। और आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन। और ये सब चीज़ करने से पहले हम ये बता रहे हैं कि कोई भी गाड़ी हो उसमें थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग करने से अच्छा होता है इसका जो है ना, ये अल्टो में इसका ये आर्म चेंज कर देना, बुशिंग के काम करवाने से अच्छा है, इसमें बुश डालने से अच्छा है इसका आर्म चेंज कर दे, इसलिए मैंने आर्म को चेंज कर दिया है, जिसका प्राइस पड़ता है 565 के आसपास, शायद 1565 के आसपास पड़ता है। और इसका मैंने शोकर को चेंज किया है, ये फ्रंट शोकर है, इसका प्राइस पड़ता है 3100 के आसपास शायद। और ये दोनों बोल्ट को लगा दिए हैं, ये शोकर लगा चुके हैं ऊपर में, 13 नंबर बोल्ट लगते लगा दिए हैं, ये इसका आर्म लगा रहे हैं। ये देखिए इसका शोकर का प्राइस है, ये और इसका डिस्क पैड भी लगाना है नया, ये काम हो रहा है। ये भी इन बोल्ट जॉइंट यहाँ पे लग रहा है और ये सारे बोल्ट को टाइट कर लेना है। इसके बाद जो है ये डिस्क को अच्छी तरह से रेगमाल से साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद जो है ये बोल्ट जॉइंट को टाइट करना है, इसका बूश डाल देना है। इसके बाद वो एक वाइसर आता है, ये नट आता है, नट को टाइट करना है। और ये टाइट करने के बाद आगे बता रहे हैं आप लोगों को, और काम करने के अंदर सब पार्ट्स को अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है और अच्छा से ग्रीसिंग व्रीसिंग करके इसको लुब्रिकेंट करने के बाद इस कस्टमर को हम देंगे। और ये गाड़ी जो है रफ एंड टफ गाड़ी है, ये कार छोटी सी कार है, मारुति की सबसे अच्छी कार है और सस्ती कार है। और ये जिस गाड़ी को ज़्यादा टाइम हो जाता है धूल मिट्टी में चलता है, उसका बोल्ट उल्ट में थोड़ा परेशानी होता है खोलने में और लगाने में भी, रिमूव करने में और उसको टाइट करने में भी। और ये लगा दिए हैं, ये भी इन जॉइंट को टाइट कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाले जॉइंट को। इसका ब्रेक क्लिपर का प्राइस पड़ता है 105 रुपया। और ब्रेक क्लिपर चेंज करने का मतलब ये होता है कि ब्रेक मारने के बाद जो है ना व्हील फ्री रहे, नहीं तो ब्रेक क्लिपर जब जाम हो जाता है तो व्हील थोड़ा थोड़ा जाम होने लगता है, जिससे गाड़ी की पिकअप और माइलेज पे प्रभाव पड़ता है। और इसका डिस्क पैड डाल चुके हैं, और डिस्क पैड डालने के बाद इसका ब्रेक कैलिपर को लगाएंगे थोड़ा सा लुब्रिकेंट करने के बाद। इसमें ये TVS लुकस टाइप आता है, ये TVS का ग्रीस भी है इसमें, और TVS का डाले हैं, TVS ग्रिलिंग्स का ये ब्रेक डिस्क है। सबको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ करना है, फिर इसके बाद लुब्रिकेंट करना है। ये लुब्रिकेंट करने के बाद इसका ब्रेक कैलिपर को लगाएंगे इसमें, इसके बाद 13 नंबर का नट आता है उसको टाइट करेंगे। इसको लगा दिए हैं, इस पर थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर लेते हैं, ग्रीस आता है छोटा सा पैक में। इसके बाद इसका डस्ट कवर आता है रबर का, इसको लुब्रिकेंट कर लिए हैं, और इसका डस्ट कवर इसमें डालेंगे, इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हुआ डस्ट कवर, ये डस्ट कवर डाल दिए हैं, ये डल चुका है, इसको अच्छी तरह से डालना। और ये जो है ब्रेक पिस्टन वाला हाउसिंग को नीचे कर लेना है, उसको भी खोल लेना है, ये दोनों को एक साथ में लगा के इसके बाद एक टाइट करेंगे।
ये 13 नंबर का बॉल्ट है, इसमें ये नीचे लगा दिए हैं, ऊपर भी लगा रहे हैं, नीचे ऊपर दोनों लग चुका है। सारे बोल्टों को टाइट कर लेंगे, इसके बाद इसका व्हील को इंस्टॉल करेंगे। सलाई प्रॉब्लम बहुत दिन से रही गाड़ी में बहन से, इसके बाद जो और इसको लगा दिए हैं, और जो ये बोल्ट को टाइट करने के बाद ये ऑलरेडी हो चुका है, नट जो है फिक्स नहीं हुआ था, इसको फिर से फिक्स कर रहे हैं। ये क्लिपर बच गया था, नीचे वाले को लगा दिए थे, ऊपर वाले बच गया था, इसलिए मोबाइल में सब इसको ये क्लिपर को साफ करना है। इसके बाद इसमें भी लुब्रिकेंट करना है, इसका सबको लगा देना है अच्छी तरह से। थोड़ा सा ग्रीस उसके अंदर भी डाल देना है ब्रेक के लीपर वाला स्थान पे, और इसका डस्ट कवर को भी लगा देना है। ये डस्ट कवर लग चुका है, इसके बाद के लीपर को अंदर प्रेस करेंगे, अंदर चला जाएगा। इसके बाद ही पिस्टन असेंबली को इंस्टॉल करेंगे। और 13 mm के बोल्ट आता है इसमें, ये बोल्ट है 13 mm का, इसको लगा दिए हैं। और नीचे भी एक आता है 13 mm का, इसको लगा के फुल टाइट मारेंगे। ये लग चुका है, अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक।